नेक्स्ट बेसिक प्रिंसिपल विच यू आर गोइंग टू डिस्कस फॉर स्टोर ऑपरेशंस इज सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि स्टोर ऑपरेशन के परस्पेक्टिव में है बेसिक असूलों के हवाले से वो सेफ्टी का परस्पेक्टिव है और सिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स में नंबर फोर पॉइंट के ऊपर क्वालिफाई करता है तो बट यू हैव टू डू यू हैव टू इंश्योर अ सेफ इन्वायॉयमेंट फॉर कस्टमर्स यू हैव टू इंश्योर सेफ इन्वायरमेंट फॉर स्टाफ यू हैव टू इन्श्योर द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ दी प्रोडक्ट्स तो तमाम परस्पेक्टिव में बेशक वो सेफ्टी हो प्रोडक्ट्स की बेशक वो सेफ्टी हो कस्टमर्स की वो सेफ्टी हो अपने लोगों की अपने स्टाफ की हर परस्पेक्टिव में द सेफ्टी प्रिंसिपल जो है वो फॉलो करता है तो सेफ्टी में हमारे पास तीन तरह के परस्पेक्टिव हैं बट यू हैव टू इंश्योर अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट सेफ़्टी की सबसे पहले सिक्योरिटी हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करें हम फायर सेफ्टी की बात करते हैं सो प्रोडक्ट सेफ्टी है हेल्थ सेफ्टी है एंड देन दी फायर सेफ्टी है ये तीन पर्सपेक्टिव हमारे पास हैं। इन जनरल अगर आप बात करते हैं तो फूड सेफ्टी क्या है आपकी नज़र में फायर सेफ्टी क्या है आपकी नज़र में और हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है आपकी नज़र में सबसे पहले मैं क्विकली अगर बताता हूँ कि फूड सेफ्टी क्या चीज़ है तो वो आपको हेल्प करेगी समझने में एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है नॉर्मली आपने एच का कॉन्सेप्ट जरूर सुना होगा लोगों से जाना होगा जब हम प्रोडक्ट की फ़ूड सेफ्टी की बात करते हैं फूड स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो एच जो है वो हैज़ेड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है ये हमारे पास हमेशा सबसे पहली चीज़ सामने आती है आपको फ़ूड सेफ्टी क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है एज ए रिटेलर कि कोई प्रोडक्ट हैज़ट्स तो नहीं है और उसको रिड्यूस करना है सो so, आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले हेज़ट्स को फिर टेक करने हैं यू हैव टू टेक अप्रोप्रिएट मयर्स देन यू हैव टू मेनटेन चेक कि ये बात दोबारा रिपीटेड ना हो और फोर्थ के ऊपर यू हैव टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी सिंगल थिंग अब फूड सेफ्टी के ये बेसिकली ये एच ए सी सी पी के चार मिसिक पॉइंट्स हैं इन जनरल अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट को कटिंग के लिए भी बेशक जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है अगर वो फिश को कट करने के लिए मीट को कट करने के लिए वो नाइफ यूज़ हो रहा है क्या वो इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से क्लीन है क्या हाइजीन के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आप फूड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और अगर ऐसा नहीं है तो एक्चुअली आप फूड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं सो so, स्टोर का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि उसने इंश्योर करना है कि फ़ूड सेफ्टी के प्रोटोकॉल को फुलफ़िल किया जाए फिर इसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर आते हैं स्टोर के अंदर जो स्टोर मैनेजर फ्लोर मैनेजर डिपार्टमेंट मैनेजर एवरी वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी इज हेल्थ इन द स्टोर ये जो की मैनेजमेंट के लोग हैं ये जिम्मेदार हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टोर में हर चीज के सो बट दे हैव टू डू इनको प्रिवेंट करना है स्टबलिंग ब्लॉक्स इन द आइल्स रास्ता बंद नहीं होना चाहिए अगर सामान रास्ते में पड़ा हुआ है कोई कस्टमर उससे टकरा सकता है किसी कस्टमर को चोट लग सकती है कोई इंप्लॉई उससे इंजर्ड हो सकता है सो एनीथिंग कैन हैपन सो आपको एज ए रिटेलर इस बात का ख्याल रखना है फिर दूसरे नंबर पे यू हैव टू सेट अप रूल्स इन केस ऑफ थ्रेट्स फॉर एग्जांपल क्राइसिस मैनेजमेंट अगर आपको पता है कि लेट्स से कोई स्टोर के अंदर लेट्स से इस तरह की लोकेशन के ऊपर है जहाँ पे कोई फ्लड आने के चांसेस है यहाँ पे कोई कोई बॉम्ब का कोई थ्रेट है कोई ऐसी सिचुएशन है पैनिक सिचुएशन है कि जिससे क्राइसिस मैनेजमेंट हो सकती है सो so, रिटेलर को सेटअप करने हैं रूल्स इन केस ऑफ थ्रेट्स इन केस ऑफ एमरजेंसी देन दे हैव टू डू उनको मेंटेन करना है क्लीन एंड अनडेमेज शर्स को दिस इज अगेन दे हैव टू इंश्योर वट देव टू इंश्योर ऑल्सो जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है वो इट इज सेफ टू यूज दिस प्रोडक्ट्स इट इज सेफ टू यूज द इक्विपमेंट्स कोई उसमें मसला ना हो जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेफ हैं जो इक्विपमेंट है वो सेफ है फिर दे हैव टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एंड सेफ क्लोथ्स फॉर द स्टाफ जो यूनिफॉर्म स्टाफ को दिया गया है वो सेफ है प्रॉपरली अप्रोप्रिएट है और उसके अंदर कोई भी इस हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये काम ये सारे टास्क पूरे होते हैं सो so देन आप इंश्योर कर रहे हैं एज ए टीम मैनेजर सेफ्टी को ऑफ़ योर स्टाफ ऑफ योर कस्टमर्स एंड ऑफ योर प्रोडक्ट्स लास्ट में हमारे पास सेफ्टी का जो पॉइंट है दैट इज़ द फायर सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अक्सर ऑब्जर्व करते हैं जब हम किसी स्टोर के अंदर जाते हैं तो एमरजेंसी एग्जिट के ऊपर हमें इस तरह की सिचुएशन अगर नज़र आए सो so ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है कि जहाँ पर एमरजेंसी गेट के अंदर के बाहर उसको ब्लॉक किया हुआ किसी ना किसी स्टॉक से दैट इज द डेंजरस सिचुएशन और ये तब होती है कि जब आपको पता हो यू आर नॉट फॉलोइंग द बेसिक प्रिंसिपल्स सो फायर सेफ्टी के केस के अंदर स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करने आपने लोकल रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल आपके स्टोर के अंदर फायर स्टिंग्विशर्स होने चाहिए आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए तो बेसिक रेगुलेशन को आपको फुलफिल करना है फिर आपको इंश्योर करना है फ्री एक्सेस टू एमरजेंसी एग्जिट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि आपने उस एरिए को ब्लॉक नहीं करना है एमरजेंसी साइनेज प्लेस करने हैं एमरजेंसी साइनेज वाले एरिया को भी आपने ब्लॉक नहीं करना है क्लियरली आपने शो करना है कि मेरा एमरजेंसी एग्जिट का प्लान क्या है इन केस ऑफ समथिंग टीम इज ट्रेंड स्टाफ इज ट्रेन लोगों को पता है कस्टमर okay, को कहाँ से मूव करना है इन केस ऑफ एमरजेंसी बिट देन यू हैव टू प्रमोट द अवेयरनेस ऑफ फायर सेफ्टी इन द स्टोर लोगों को आपने प्रॉपरली अवेयर करना है कि वट विल हैपन इन केस ऑफ फायर और इसके ऊपर हम क्या करेंगे नॉर्मली फायर सेफ्टी ड्रिल्स कराई जाती हैं उसकी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं रिटेल स्टोर्स के अंदर ताकि इसको हम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें इन केस ऑफ इफ समथिंग सम्स फिर देन यू हैव टू रेगुलरली चेक द ऑपरेशन ऑफ फायर इक्विपमेंट जो स्टोर के अंदर आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स या और कोई आलात मौजूद हैं जो कि आग को बुझाने में आपको हेल्प कर सकते हैं उनकी टेस्टिंग गाहें ब द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव टू डू इट टू इंश्योर केन एवर इफ समथिंग दे आर इन दी प्रॉपर कंडीशन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन एंड देन यू हैव टू ट्रेन द स्टाफ ताकि वो उस इक्विपमेंट को यूज़ कर सकें आपको स्टाफ को इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने की भी ट्रेनिंग देनी है तो सेफ्टी हमारे पास वो पॉइंट है जो कि फूड हेल्थ या फायर सेफ्टी के परस्पेक्टिव में बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोर ऑपरेशन का वन ऑफ द की कॉम्पोनेंट्स में से है अगर एक रिटेलर सेफ्टी प्रिंसिपल्स को फुलफिल करता है इसको कंप्लाई करता है तो फॉर श्योर sure वो एक हेल्दी कल्चर क्रिएट कर रहा है एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है अपने स्टाफ के लिए अपने कस्टमर्स के लिए और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए